तुम्हारे साथ उठता बैठता खाता पीता सब करता हूँ, लेकिन तुम्हें यंत्र साधना जब आई तो तुम्हें उस भाग्य को उस पाल उस क्षण को पाल करना है, और ये जब तक तुम नहीं करोगे तब तक हम सिद्ध होना दूर की बात है। आज गुरु जन्म दिवस के ऊपर मैं ये आपसे चाहता हूँ कि प्रभु सदगुरुदेव जी हमारे संसार में आज गुरु जी को आकर भी बहुत साल हो गए, और उन्होंने 1998 में अपने देह का इस देह को जो भौतिक कहा जाता है उसी छोड़ा, लेकिन तब से आज वो प्रणश्चेतना ऑन होकर ब्रह्मांड में घूम रहे हैं, और आप हमारे सब में को आज हमारे बीच में हैं। हम ऐसे गुरु को जब प्राप्त करके चाहते हैं तो हम उस गुरु जी को हमारे जीवन के अंतिम क्षण तक भी हम देखते रहें। अब आजकल का ज्योतिष कहता है या ज्योतिष शास्त्र के लोग कहते हैं कि आने वाली पीढ़ी यानी ये जो 2024 और 2025 इतने आक्रमणकारी और इतने आक्रांतकारी है कि लोगों की जनसंख्या शायद यहाँ आज है उसकी हाफ अपनी जनसंख्या रहेगी, बाकी के लोग चले जाएंगे कोई बीमारी से, कोई उपद्रव के कारण, समुद्र के कारण, तूफान के कारण, इन सभी का अंत होगा ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। तो अगर ऐसा है तो एक बात हम जरूर देखना चाहिए, जिसको योग जिसके साथ योग्य गुरु हो, मैंने इससे पहले भी प्रवचन में कहा, पूरी कोरोना गई, पूरी कोरोना के 2 साल या 2.5 साल हमने निकाले, मैं गर्व के साथ कहता हूँ मेरे गुरुजी के मंत्र का साधना करने वाले और गुरुजी के जो शिष्य हैं किसी को कोरोना से मरा एक बार एक आदमी को बताओ, अगर हजारों में अगर एक भी गया हो भी तो मेरा परसेंटेज तो 99% है कि कोई नहीं गया। आज भी मैं आपको कहता हूँ चाहे समुद्र में पृथ्वी पर कुछ ना कितना भी उपद्रव हो, अगर आप आपके गुरु के साथ निष्ठावान हैं तो आप सारी घटनाओं से आगे आ जाएंगे, आपके ऊपर उसका उपद्रव का आपके ऊपर कोई असर नहीं होगा। आप हम साधनारत हो, हमारे लोगों के साथ हो, हम इस कार्य को करते रहें, अगर जब तक तो हुआ तो श्रेष्ठता है। ये ऐसा नहीं कि मैं तुम मरेंगे नहीं, ऐसा नहीं कह रहा हूँ, लेकिन वो उपद्रव से नहीं मरेंगे जो उपद्रव प्राकृतिक है। और आज मैं चाहता हूँ कि प्रभु सद्गुरुदेव से मैंने प्रार्थना की थी कि प्रभु अगर कल के अवतार के गुरु परशुराम जी हैं तो फिर प्रभु आप कहाँ हैं। मैंने गुरु से यही प्रश्न किया था कि आप कहाँ, तो गुरु जी ने कहा कि ये मेरे को गुरु जी ने दिया हुआ वचन है जोशी, मैं अगला दिन हम दक्षिण में ही लूँगा और निखिल चेतना केंद्र को मेरा 5 वर्ष की जब आयु होगी मैं जरूर आऊँगा। किस रूप में आएंगे मैं तो नहीं बता सकता, मैं पहचानूंगा या नहीं पहचानूंगा वो तो मुझे पहचानेंगे जरूर। हमें इस बात का ज्ञान होना चाहिए कि हमें अपने गुरु को अपने गुरु का नित्य दर्शन हो, हम अगर हमारे गुरु का उस श्रेष्ठता का जो ब्रह्मांड में अपना विश्वरूप बता सकते हैं, जो एक ही बार में क्षण में विश्वरूप बताते हैं शिष्यों को, अपना पूरा शरीर 30 फीट लंबा और 60 फीट चौड़ा बनाकर अपना विश्वरूप बताए थे, ऐसे सद्गुरुदेव ब्रह्मांड में शुक्र ग्रह पर या सारे ग्रहों पर जा सकते हैं, सारे ग्रहों से लोगों को मना सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से जी सकते हैं, मंत्रों के माध्यम से हम अपना अच्छा जीवन बदल सकते हैं। जब मैं बहुत बार कहता हूँ कि जब अपने कार्य करते समय अपनी कार्य की शक्ति अपने को नहीं काम करती तो हमारे को किसी न किसी का आहारा दैव कृपा की और आवश्यकता होती है, देव अपने साथ हो तो अपना कार्य सिद्ध होगा। बहुत है मैं आदमी आपके सामने शेर आ गया या कोई शत्रु गुंडा आ गया तो कितनी बार हाथ से मारते रहे गाली दोगे होने होगा, तो तब तो पत्थर तो लेना होगा हाथ में, नहीं तो फिर कुछ ना कुछ तलवार तो गन तो लेना ही होगा, यानी एक आप वस्तु को एक यंत्र को हाथ के लेकर उसको मार रहे हैं। उसी तरह आप आपके बिजनेस में बहुत काम कर रहे हैं लेकिन फल नहीं मिल रहा है, तो आपको उस तरह तब तो कोई ना कोई यंत्र की और दैव कृपा आपको मिलनी ही चाहिए। वो दैव कृपा अपनी आपके गुरु ही आपको दे सकते हैं, जब अपने हाथ से नहीं हो रहा है, अपने शरीर से साधना नहीं हो रही है, हम उसको प्राप्त नहीं कर रहे हैं, तब देव कृपा से गुरु से कुछ ना कुछ प्राप्त करना चाहिए। और मैंने इस कलयुग में गुरु से यही मांगा था कि अगर कल के अवतार के गुरु परशुराम जी होते हैं तो प्रभु हम कहाँ हैं और आप कहाँ हैं, हमें इस कलयुग में हमें क्या करना है। तो गुरु जी ने कहा कि अगर मैं 5 वर्ष की आयु में तुझे कहा हूँ कि मैं निखिल चेतना केंद्र में आता हूँ और तुझे मैं दक्षिण में ही पैदा होने वाला हूँ तो हम लोगों में कितने लोगों का उस इष्ट का उस गुरुदेव का दर्शन होगा, ये हमें सोचना है कि इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें कोई तपस्या करनी होगी। कहते हैं कि शिव जी को प्राप्त करने के लिए माता पार्वती जो सती के अवतार के बाद जन्म ली और उन्होंने शिव जी को प्राप्त करने के लिए पहले जंगल गई, जंगल में साधना कर ली अपने सखियों के साथ, बाद में उसने एक समय खाना खाया दूसरा खाना छोड़ दिया, फिर खाना भी छोड़ दिया, उसके बाद वो केवल पानी पीने लगी, बाद में पानी भी छोड़ दिया
और वो वायु भक्षण करने लगी। बाद में शिव इतने पर भी प्रत्यक्ष नहीं हुए तो पंचांग की साधना किया, जो आज अगर आप जाते हैं तो एकांबरम नाम का एक यहाँ आप चेन्नई में कहीं जहाँ शिव जी को माता पार्वती ने एकांबरेश्वर के नाम से जाना जाता है, शिव जहाँ उनको प्रत्यक्ष हुए और उन्होंने बिल्व पत्र के नीचे साधना संपन्न की थी पंचांग की साधना। जब माता पार्वती जैसी शक्ति देवी को इतनी साधना के बाद शिव जी मिलते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमें कब मिलना चाहिए, हम क्या कर रहे हैं, हम साधना कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं। आप कभी अपने आप को ये मत समझो कि मैंने बहुत साधना की गुरु जी, मैंने बहुत कुछ नहीं किया, तू हजार साल नहीं जिया ना हजार साल की साधना की, तूने कुछ किया ही नहीं, तू जो भी किया है अपने स्वार्थ के लिए किया, अपने लिए किया, कभी भगवान तेरा दर्शन चाहिए इस उद्देश्य तूने कभी नहीं किया। और जब तू ये रखेगा तेरे दिल में कि प्रभु आपका दर्शन हो तो श्रेष्ठता है। बहुत सारे जितने भी पुराने साधक है या जितने भी पुराने तपस्वी है वो कहते थे कि प्रभु आपका दर्शन हो जाए। अब जब माता का पार्वती का या दुर्गा माता का या किसी देवता का उनको दर्शन हो गया वो पूछती थी तेरी क्या इच्छा है, तो वो कहते थे कि आपके दर्शन से बढ़कर मुझे क्या, आपका दर्शन हो गया, ये आंखें ये शरीर सिद्ध हो गया, इससे बढ़कर क्या चाहिए। ये बात मैंने आपको ये भी बताई कि जब कुरुक्षेत्र युद्ध हुआ और कुरुक्षेत्र युद्ध में सारे दुर्योधन आदि सब लोग मारे गए, सब लोग मारे जाने के बाद व्यास महर्षि बैठे थे और कुंती माता पांडवों के साथ आई और कहा कि महर्षि व्यास मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि जब जिंदा रहे दुर्योधन वो लोग तो दुश्मन हमारे शत्रुता तो करते ही रहे, लेकिन मैं चाहती हूँ क्या वो आज भी हमारे मारखाने से शत्रुता के साथ हैं, हमारे ऊपर उन किस प्रकार की दृष्टि रखते हैं और मेरे क्या बेटे स्वर्ग में जाएंगे या नरक में जाएंगे और दुर्योधन आदि स्वर्ग में है या नरक में है, ये बात कुंती माता ने पूछा। तो व्यास महर्षि कहते हैं कि तुम आओ, और हम मानसरोवर के पास गए सभी पांडवों को लेकर और उन्होंने कहा कि मैं आह्वान करता हूँ। उन्होंने भीष्म द्रोण आदि सभी लोगों को आह्वान किया, मानसरोवर में दुर्योधन आदि सब लोग आ गए। कुंती माता ने देखकर उन सभी को देख रहे थे और सब लोग हंस रहे थे। कुंती माता को कहा ये लोग दुखी होने के कारण हंस क्यों रहे। उन्होंने पूछा कि प्रभु ये हंस रहे हैं तो हंसने का मतलब है ये स्वर्ग में है या नरक में है। तो उनका स्वर्ग में ही है जो हंस रहे हैं तो ये नरक में कैसे जा सकते हैं। माता ने कहा ये एक तो शत्रुता के द्रौपदी का अपमान किए और उसके लिए मार दिया गया, फिर ये स्वर्ग में कैसे। तो कहते हैं कि व्यास महर्षि ने कहा इन सभी ने मरते समय कृष्ण को देखा है और जो समय मरते मरते कैसे जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे, इसलिए वो स्वर्ग की प्राप्ति किए। मैं भी आपको कहता हूँ आप अगर मरते समय अपने गुरु को स्मरण करते हुए गुरु को देखें निश्चित रूप से आप नरक में नहीं जाएंगे, स्वर्ग में ही जाएंगे और फिर जन्म लेंगे तो गुरु जी के साथ भी जन्म लेंगे। इसलिए हमारे जीवन में गुरु का दर्शन होना बहुत आवश्यक है, गुरु को हम देखना बहुत आवश्यक है। गुरु ऐसे गुरु को जो निष्ठावान गुरु है जिनके पास सारे तत्व हैं, उनके पास सूर्य सिद्धांत था, चंद्र सिद्धांत था, नक्षत्र सिद्धांत था और वे ज्योतिष में श्रेष्ठता थे। और यह तो एक प्रकृति का नियम है कि वो कल के समुद्र आएगा उफान आएगा मर जाएंगे लोग या किसी बीमारियों से मरेंगे, लेकिन हम तड़पते हुए मरे जर्जर होकर मरे कीड़े पड़ के मरे ऐसा जीवन हमें नहीं चाहिए। हम सामर्थ्यवान मत में मरेंगे, हमारे गुरु को देखते हुए हंसते हुए मरेंगे, हमारी इच्छाएं पूर्ण हो। गुरु को एक बार जिसने देख लिया और देख लेने के बाद उसको कुछ चाहिए नहीं, गुरु में ही उसको सब कुछ मिल जाएगा, ऐसे गुरु का अगर हम दर्शन लेते हैं तो वो श्रेष्ठता है। मैं चाहता हूँ कि आज के दिन मैं आपको आप सभी को उन गुरु के दर्शन का एक ऐसी साधना आपके जीवन में दूं जिस यंत्र को आप अपने मरते दम तक आपके पास आपके घर में रखेंगे और कभी आप कीड़े पड़कर या दुविधा के साथ मरेंगे नहीं, ना एक्सीडेंट में मरेंगे, गुरु को देखते हुए मरेंगे। ऐसी श्रेष्ठ साधना मैं आज के दिन आपको प्रदान कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि वो साधना हम संपन्न करें, संपन्न करने के बाद आगे के जीवन में उस साधना को रखें, क्योंकि इस साधना में जितने भी गुरुमंडल है परशुराम जी के साथ, क्योंकि इस कलयुग में कल के अवतार के गुरु परशुराम जी बनने वाले हैं। कल के अवतार तो विष्णु का अवतार कहा जाता है, स्वयं उन्होंने अपना सब अंश विष्णु का अंश राम को दे दिया था और आज तपस्वी होकर महेंद्रगिरी पर्वत पर परशुराम जी बैठे हैं और ये सारे पर्वत वही कह रहे थे गोमान तक इस प्रदेश को और परशुराम जी यही उच्चारण करते हैं। तो हम उन परशुराम जी को भी जो कल्कि अवतार के गुरु बने, तो हम उस अवतार के जो इस कलयुग का उद्धार करने आए हैं
तो उसमें सारा उनमें सारे गुरुमंडल का वास है। जिसने गुरु की साधना की, जो गुरु के साथ रहा, तो वह उस गुरुमंडल के महान गुरु को देखा। और ये आपको पता है कि आने वाली अक्षय तृतीया ही परशुराम जी का जन्मदिन है। हम उस जन्मदिन तक परशुराम जी के साथ हमारे गुरु का आह्वान करते हुए अगर देखते हैं, और अक्षय तृतीया के दिन उस यंत्र को एक घड़े में पानी ठंडे जल के साथ तिल डालकर परशुराम जी को उस यंत्र के साथ गुरु को समर्पित करते हैं अक्षय तृतीया के दिन, और वो यंत्र अपने पास रखते हैं, तो हम निश्चित रूप से कहता हूँ कि जीवन में हमें नर्क भोगना। जिसने गुरु को देखा वो किस तरह नर्क अनुभव का, नर्क तो अनुभव नहीं करेगा, वो जाएगा तो स्वर्ग को ही जाएगा और अच्छा जीवन बिताते हुए जाएगा। यह मेरा संकल्प है कि उस गुरु के दर्शन हमको हो। मैं माँ शांता दुर्गा से यही प्रार्थना कर रहा हूँ कि माँ हमारे घर में सुख शांति प्रदान करें। हम शांति के साथ, अगर अपने घर में शांति नहीं तो हम साधना कहाँ से कर सकेंगे। हमारे घर में अगर दुखी हैं सब लोग, कष्ट हैं, तो हम साधना नहीं कर सकते। शांता दुर्गा की स्थापना ही हमारे घर में शांति प्रदान करेगी, और शांति प्रदान करेगी तो अभी हम गुरु साधना संपन्न कर सकेंगे। ऐसी ही अक्षय तृतीया तक रोज एक माला करने की गुरु जी की साधना, जो स्वयं गुरु जी ने दिया है और कहा कि जो ये साधना करेगा मेरे इष्ट का, मेरा दर्शन करेगा, और जो गुरु जी का दर्शन कर गया मैं कहता हूँ उसको नरक का अनुभव नहीं करना पड़ेगा, न असमर्थ होगा, वो सामर्थ्यवान ही होगा। मैं आप सभी के सामने आज के इस गुरु जी के जन्मदिनोत्सव पर वह साधना आपको संपन्न करवाना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैंने हमारे आश्रम के लोगों के साथ बहुत लोगों को कहा है कि जिस स्त्रियों ने नववार की साड़ियाँ पहनी हैं वो लोग उठ के खड़े हो जाएं।